गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने देखा था कल सिलेबस क्या था, मगर थोड़ी सी लाइव स्ट्रीम में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। चलिए कोई नहीं, हम लोग ऐसे करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर एट्थ और नाइन्थ जो एनसीईआरटी में दे रखा है आपका यूपी बोर्ड में, वो 12 नंबर का है। तो बढ़िया चैप्टर है, अच्छे से समझ में भी आएगा। तो इसको हमें स्टार्ट करना है, ठीक है? तो देखते हैं कि इसका बेसिक क्या है। सबसे पहली बात तो हमें बेसिक पता होना चाहिए कि इसका बेसिक क्या है। बेसिक में देखिए, सबसे पहले बात हम करते हैं किसकी, कि इसमें एक समकोण त्रिभुज होता है। क्या होता है? एक समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है कि एक ऐसे समकोण त्रिभुज में ये एक लाइन, ये जो एंगल बनता है आपका, ये वाला एंगल ये कितने डिग्री का होता है? ये होता है आपका 90 डिग्री का, ठीक है ना? 90 डिग्री का ये एंगल बन जाता है। 90 डिग्री का एंगल बनने के बाद में इसमें जो ये सबसे लंबी वाली रेखा होती है, ये कौन सी होती है? ये होती है आपकी कर्ण, ठीक है? क्या होती है? कर्ण होती है। और ये देखिए, यहाँ पर जो ये एंगल बनता है, ये बनता है थीटा, और ये भी कौन सा एंगल बनता है? थीटा। क्योंकि हम जानते हैं कि 90 डिग्री का कोण, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है? तो अगर ये अकेला 90 है, तो ये दोनों कितने होंगे? 90 से कम होंगे भाई, साफ सी बात है। तो 90 से कम होंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि ये 90 से कम होंगे, ठीक है? तो 90 से अगर इसकी बात हम करें, तो एक होता है लंब, एक होता है कर्ण। ये होता है लंब और ये होता है आधार, ठीक है ना? देखिए, सबसे बड़ी वाली रेखा तो कौन सी होगी आपकी? सबसे बड़ी वाली रेखा हो जाएगी आपकी कर्ण की, ठीक है ना? सबसे बड़ी वाली कर्ण, इस थीटा के सामने जो होगा वो क्या होगा? लंब। और ये क्या होगा? आधार। तो आप कहेंगे सर, थीटा तो यहाँ पर भी है, तो इसके सामने आधार कैसे है? हाँ, तो इसमें दूसरा केस बन जाएगा। अगर हम इस थीटा की बात करेंगे, तो इस थीटा के लिए कौन सा आएगा आपका? ये वाला लंब आएगा, और आधार ये हो जाएगा, ठीक है? अगर हम दूसरा केस की बात करते हैं, अगर हमसे पूछा गया है कौन सा वाला, ये वाला पूछा गया है, ये थीटा, तो इस वाले थीटा के लिए इसके सामने कौन सी रेखा है? ये तो देखो 90 डिग्री हो गया, और ये हो गया कर्ण, ये हो गया कर्ण। अगर इसके सामने हम बात करते हैं, तो इसके सामने कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा लंब, ठीक है? लंब हो गया ये। तो भाई ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, और ये हो गया, फिर क्या बचा? आधार बचा। केवल इसमें तीन ही चीजें होती हैं, लंब, कर्ण और आधार, ठीक है? तो ये तीन चीजें आपके समझ में आ गई। कहने का मतलब क्या है? पहले वाले केस में यहाँ पे मान लो आप थीटा नहीं है, यहाँ पर थीटा नहीं है, तो इस थीटा के सामने जो होगा, जो रेखा होगी, जैसे इस थीटा ए बी सी नाम दे दे रहे हैं हम, क्या दे दे रहे हैं? ए बी सी नाम दे दिया। तो इस थीटा के सामने क्या होगा? ये हो जाएगा लंब। अब बात आ गई इस थीटा की, तो इस थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब। हमेशा अपना एक ही कॉन्सेप्ट रखना है आपके लिए कि कर्ण के इस थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब होता है, और जो सबसे बड़ी रेखा होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। तो ये तो था इसका थोड़ा सा जानने इसके बारे में, ठीक है? चैप्टर का नाम क्या है हमारा? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति देखिए, आपके लिए अभी चैप्टर को दिखाया था मैंने, त्रिकोणमिति, ठीक है ना? त्रिकोणमिति। तो इसमें जो पहला बेसिक है आपका, आपके लिए ये चीज़ पता होनी चाहिए। ये चीज़ पता होने के बाद में अब हम बात करते हैं किसकी, कि पाइथागोरस थ्योरम, जो आपने 8th क्लास में भी पढ़ी है काफ़ी अच्छे से, और फिर आपने शायद 7th क्लास में भी पढ़ी है, तो आपको याद तो होगा नहीं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या है पाइथागोरस की थ्योरम, ठीक है ना? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय क्या होती है? प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना?
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आया सुनने, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब देखिए एक्चुअल क्वेश्चन में होता क्या है कि आपके लिए कोई भी दे देगा, या तो लंब दे देगा, ठीक है, लंब दे देगा, कर्ण दे देगा, आधार पूछ लेगा, ठीक है, आधार दे देगा, कर्ण दे देगा, लंब पूछ लेगा। समझ में आ गया। तो ये बेसिकली क्वेश्चन में होता है। तो ये तो था एक नॉर्मल सी चीज, पहली बात हमने देख ली। दूसरी चीज क्या देखते हैं, जो इनके त्रिकोणमितीय रेशियो होते हैं, क्या अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात में आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा क्योंकि कोर्स चेंज कर दिया गया है। जो पहले कोर्स था उसमें आपके 9th क्लास में त्रिकोणमिति वाला चैप्टर हो जाता था, तो 10th क्लास में आते आते बच्चों को काफ़ी अच्छे से इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाती थी। तो इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर, त्रिकोणमिति अनुपात में साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा, 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं आपके, जिसमें से साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। दूसरा होता है आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, ठीक है, आधार बट्टे कर्ण। और तीसरा होता है आपका टेन थीटा, तीसरा क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है आपका क्या, लंब बट्टे आधार, ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद में होता है आपका साइन का उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसके बराबर होगा, कोसेक थीटा होता है भाई, मैंने क्या बोला, साइन थीटा का उल्टा, तो भाई साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, और इसका क्या हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण, ये साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब, क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब। फिर आता है हमारा कॉस का उल्टा, क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है हमारा सेक थीटा, क्या होता है, सेक थीटा, और सेक थीटा ये आपका किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा इसका भाई उल्टा कर देंगे, कर्ण बट्टे आधार, ठीक है। देखिए बच्चों अब इसके बाद में कौन सा आता है हमारा, टेन थीटा का हो गया, अब आ गया हमारा कॉट थीटा, कॉट थीटा भी भाई इसका उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है आपके या नहीं आ रहा है, आप सब कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में ये हो गया, अब मैंने आपको बताया था कि कौन किसका उल्टा होता है, ठीक है। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं संबंध, क्या बोलते हैं हम इनमें, संबंध देख लेते हैं, संबंध क्या कैसे होता है, संबंध होगा आपका जैसे कि आपके लिए दे दिया पहला संबंध साइन थीटा, साइन थीटा में से इन जो ये जो रेशियो दे रखे हैं आपके लिए, इनमें क्या जो है रिलेशन है, तो साइन थीटा का रिलेशन मैंने किसके से बताया था आपका, कॉसेक थीटा से बताया था, तो कॉसेक थीटा का मतलब क्या हो गया, वन अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है, वन अपॉन कॉसेक थीटा। अगर हम ऐसे ही बात करें कि आप कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा, वन अपॉन साइन थीटा के, भाई उल्टे हैं दोनों, एक दूसरे के दोनों उल्टे हैं, ठीक है ना, समझ में आना चाहिए ये बात। फिर ऐसे ही अगर हम बात करें कि कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, भाई कॉस थीटा को हम क्या लिख देंगे, वन अपॉन सेक थीटा, अभी बताया था आपके लिए, यहाँ पर ये बताया था कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, मतलब उल्टा होता है, तो उल्टा होता है तो कॉस थीटा हो जाएगा वन अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा का क्या हो जाएगा भाई, भाई सेक थीटा का उल्टा हो जाएगा वन अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, आया समझ में ये चीज। अब ठीक ऐसे ही अगर हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं टेन थीटा की, तो टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, वन अपॉन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, ठीक है, ये हो गया। और कॉट थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, वन अपॉन टेन थीटा, ठीक है, समझ में आया ना, सभी के समझ में आ रहा होगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहली बात हमने पढ़ी थी पाइथागोरस थ्योरम, क्या पढ़ा था, पाइथागोरस प्रमेय,
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। दूसरा होता है हमारा साइन, फिर हमने पढ़े थे त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, ठीक है, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। ये सब चीज आपकी क्या है, याद करने वाली है, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा जो है आपके लिए याद करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये जो चीज थी आपकी क्या थी, याद करने वाली थी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चंस में आपके लिए जो बेसिकली क्वेश्चन देगा वो कैसे देगा कि भाई, क्वेश्चन दे देगा, देखिए पहले बेसिक इसका समझ में जरूर आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। बेसिकली इसके क्वेश्चंस में क्या होता है कि कोई भी एक चीज पूछ लेगा, जैसे कि आपके लिए एक ये दे देगा, एक क्वेश्चन दे देगा ऐसे करके कि ये त्रिभुज बना देगा और इस त्रिभुज में तुम्हें दे दिया होगा लंब दे दिया होगा और कर्ण दे दिया होगा, ठीक है। कर्ण मान लेते हैं हमें दे दिया कितना, 5 दे दिया, और ये मान लेते हैं हमें दे दिया 3। अब हमसे क्या कहेगा कि आधार निकालिए। एक्चुअल में ये आपके क्वेश्चन इस टाइप के आते नहीं है, ये इसका बेसिक है। अगर आपको ये नहीं आ रहा होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये आना जरूरी है भाई, ये 2-3 चीजें दे रखी हैं, 2 चीजें दे देगा, तीसरी चीज पूछ लेगा, फिर आपसे साइन थीटा की वैल्यू पूछ लेगा, कॉस थीटा की वैल्यू पूछ लेगा। अगर आपके लिए तीनों वैल्यूज पता हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हर वैल्यू बता सकते हैं, चाहे वो साइन थीटा हो गई या कॉस थीटा हो गई, कोई भी वैल्यू हो गई आप बता सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कि ये कैसे निकलेगी। हमने स्टार्टिंग में कराया था पाइथागोरस की प्रमेय, कौन सा कराया था, पाइथागोरस की प्रमेय। तो पाइथागोरस की प्रमेय का यूज करेंगे हम, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे कैसे होगा, पाइथागोरस की प्रमेय से, ठीक है ना, पाइथागोरस की प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय क्या थी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो भाई देखिए, हमें कर्ण की वैल्यू दे रखी है, कर्ण की वैल्यू रख देंगे यहां पे, देखिए यहां पर कर्ण है ना, तो कर्ण की वैल्यू हम क्या रख देंगे, 5 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार हमको नहीं पता तो हम इसको आधार ही लिख लेंगे, क्योंकि हमें आधार फाइंड करना है भाई। यहां पर थीटा होगा तभी ये लंब होगा, समझ में आ रहा है ना। मैंने क्या बताया था कि थीटा बराबर क्या होता है, थीटा के जो सामने वाली होती है वो क्या होती है, लंब होती है। तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, बराबर का साइन 3 का स्क्वायर 9 प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है ना, आधार स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर हो गया, ठीक है। क्या करेंगे, इस 9 को उठा के इस तरफ ले जाएंगे, मतलब कि ये अभी कौन सा साइड में है, ये है अभी हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में। अब इसको हम लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या होगा, बराबर के इस तरफ लेकर जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो 25 माइनस 9 बराबर आधार स्क्वायर, ठीक है ना। 25 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 16 बचेगा, कितना बचेगा, 16, और 16 का स्क्वायर कितना, 16 बराबर आधार स्क्वायर, ठीक है ना, आधार स्क्वायर हो गया ये। तो आधार जब इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या आएगा, आधार बराबर भाई स्क्वायर हटाते हैं तो क्या होता है, सामने वाली संख्या पे बराबर में जो संख्या लिखी होती है उस पे रूट चढ़ जाता है, ये आ गया √16। अब √16 किसकी वैल्यू होती है, आधार की, ठीक है ना, आधार मतलब आधार की वैल्यू आई, और ये 4, ये किसका होता है स्क्वायर, ये होता है 4 का, तो ये आ गया 4, आधार की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4, ठीक है ना, आधार की वैल्यू 4 आ गई। अब आपसे कुछ भी पूछ देगा तो आप आराम से बता सकते हैं, क्योंकि अब आपके सामने आधार की वैल्यू आ गई है। तो आधार की वैल्यू यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 4। अगर आपसे उसने अब पूछ दिया कि भाई हमें साइन थीटा की वैल्यू बताइए, क्या बताइए, साइन थीटा की वैल्यू बताइए, तो आप जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। तो लंब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लंब की वैल्यू भाई कितनी आ गई, 3। कितनी आ गई, इधर देख लीजिए, लंब की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई,
ठीक है, और कर्ण की वैल्यू 5 है, तो लंब की वैल्यू आ जाएगी 5/3 साइन थीटा। अब पूछ देगा कि कॉस थीटा बताइए, क्या चीज बताइए, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, लंब आधार बट्टे, सॉरी हाँ आधार बट्टे कर्ण। तो आधार देखिए, आधार आपके लिए नहीं दे रखा था, मगर आपने क्या किया, यहाँ पर आधार निकाला है, समझ में आ रहा है। तो ये जो आधार की वैल्यू, आधार की वैल्यू हम रख देंगे कितनी, 4 अपॉन कर्ण की वैल्यू कितनी है, 5। तो ये हमारे सामने ऐसे निकाल दी हमने। अब हमसे कुछ भी पूछ देगा कि भाई टेन थीटा की भी निकालिए, तो टेन थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है आपका, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो लंब की वैल्यू कितनी हो गई, लंब की वैल्यू अभी आपने देखी थी आपकी फिगर में कितनी थी, लंब की वैल्यू 3, ठीक है, आधार की वैल्यू आपने निकाली थी 4, वैल्यू पुट कर देंगे, लंब की वैल्यू 3 और आधार की वैल्यू 4, आया समझ में। अगर अब हमसे पूछ दिया कि भाई हमें इसका उल्टा बताओ, उल्टा मतलब कि हमसे पूछ दिया कि कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बट्टे क्या होता है, लंब होता है, कर्ण बट्टे लंब, भाई देखो यही तो होगा इसका उल्टा, तो कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब की वैल्यू कितनी आएगी, 3/5, आया समझ में। अब हमसे बोल दिया कि सेक थीटा की वैल्यू बताओ, सेक थीटा, तो सेक थीटा की वैल्यू होती है आपका कर्ण लंब बट्टे, सॉरी आधार बट, लंब बट, क्या हो जाएगी, कर्ण बट्टे आधार, क्या हो जाएगी, कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण की वैल्यू इसका उल्टा कर देंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 5/4, नॉर्मली उल्टा कर देना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, कॉट थीटा की, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब, ठीक है, आधार बट्टे लंब हो गया ये, तो क्या जाएगा, इसकी वैल्यू उल्टा कर देंगे, 4/3। तो ऐसे आप ये सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, आया समझ में। तो आपके समझ में आ गया होगा लगभग, आपके अगर समझ में नहीं आता तो दोबारा एक बार वीडियो को देखिए, समझिए, जो समझ में नहीं आता आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलिए, सर मेरे ये चीज़ समझ में नहीं आई, मैं आपको फिर बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये तो था हमारा, क्या था, बेसिक था। अब हम बात करते हैं किसकी, अपनी एक्सरसाइज 8.1 की, जो हमारा चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 8.1 की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें देखते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए मैं आपके लिए दिखाता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपका क्या है, ठीक है। चलिए देखिए, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, मतलब कि एक्सरसाइज 8.1 का, ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, पहले एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ठीक है, एक मिनट क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखिए एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में बी, कोण बी क्या है, समकोण है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है आपका, समकोण है, ठीक है। तो कोण बी आपका कैसा है, समकोण है, और ए बी आपके लिए 24 सेंटीमीटर दे रखी है, और बी सी 7 सेंटीमीटर, और निम्नलिखित का मान बताना है, मतलब कि साइन ए का मान बताना है, कॉस ए का, साइन सी का, और कॉस सी का, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आखिर कैसे होगा ये क्वेश्चन हम लोगों का, ठीक है, इसको यहां रख देते हैं। चलिए देखते हैं, हमारा क्वेश्चन कह रहा था हमसे कि त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज हमने बनाना है एबीसी, और जिसमें कि हमारा कोण बी क्या है, समकोण है, कोण बी क्या है हमारा, समकोण है, फिर कोण बी हमारा कैसा है, समकोण है, और तो फिर भाई हम इसमें क्या कर सकते हैं, ए बी कहीं भी रख सकते हैं, ए हो गया ए बी सी, ठीक है, कोण बी हमारा कैसा है, समकोण है। तो ये हमें मेन चीज़ अपने क्या देखना है, समकोण देखना है। समकोण देखने के बाद में फिर आपसे कह रहा है कि ए बी की जो वैल्यू है, ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 24, ए बी की वैल्यू हमने कितनी रख दी, 24 रख दी, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके लिए क्या दे रखा है, देखिएगा इधर थोड़ा,
हाँ ये वैल्यू दे रखी है आपके लिए, बीसी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। बीसी कितनी दे रखी है आपके लिए, 7 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहां पर हमने रख दिया 7 सेंटीमीटर। चलिए तो फिर अब हमें क्या, हमसे क्या कह रहा है कि हमारे लिए निकालना है पहली बात साइन सी। देखिए पहला हमसे कह रहा है आपसे साइन ए की वैल्यू निकालिए, साइन ए की वैल्यू निकालनी है और साइन ए कॉमा कॉस सी, कॉज कॉज ए, साइन ए और कॉज ए। सेकंड आपका है, सेकंड आपको निकालनी है साइन सी और कॉस सी की, साइन सी और कॉज सी। ठीक है आया समझ में? तो ये वैल्यूज हमें निकालनी है। ठीक है देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। चलिए तो फिर भाई देखिए हमें यहाँ पर दो चीज़ें दे रखी हैं, एक तो आपका आधार दे रखा है। अगर आप इसको देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर सी है, मतलब यहाँ पर ए है और यहाँ पर सी है। देखते हैं कि पहले वाले, सबसे पहले तो हमें कर्ण निकालना पड़ेगा, तो कर्ण निकालने के लिए हमें लगानी पड़ेगी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, प्रमेय का प्रयोग करने पर, प्रयोग करने पर। ठीक है इसका हम प्रयोग करेंगे, इसका जब हम प्रयोग करेंगे क्या होती है भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है तो कर्ण की वैल्यू क्या होती है, कर्ण की वैल्यू तो आपके लिए निकालनी है। ठीक है तो हमें यहाँ पे क्या लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर, क्या लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब की वैल्यू आपके लिए कितनी दे रखी है, अभी आप कुछ भी मान सकते हैं, 24 मान लीजिए, 24 स्क्वायर प्लस आधार की वैल्यू मान लीजिए 7, तो ये हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर हो जाएगा 5, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, प्लस इसका स्क्वायर कितना होता है 7 का, 7 × 7 = 49, कितना होता है 49। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 625, कितना हो जाएगा 625, मतलब कि कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका, कर्ण स्क्वायर बराबर आ गया, इधर से हम हटाएंगे, क्या हटाएंगे स्क्वायर हटाएंगे, मतलब कर्ण की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका √625। तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, कर्ण किसका स्क्वायर होता है बताएंगे, किसका स्क्वायर होता है, कर्ण होता है आपका 25 का स्क्वायर होता है, तो आपकी यहाँ पर कर्ण की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 25 आ गई। आया समझ में, 25 आ गई। अब हम देखेंगे कि हमसे जो पहला क्वेश्चन पूछ रखा है, क्योंकि भाई हमें चाहे साइन पूछे चाहे कॉस पूछे कुछ भी पूछे हमें तीनों वैल्यूज पता होनी चाहिए। ठीक है तो पहली जो वैल्यूज आएगी आपकी, मतलब पहला जो क्वेश्चन है क्या साइन ए की, साइन ए पूछ रखा है पहले आपसे, पहले क्या पूछ रखा है साइन ए। अब भाई आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने क्या बताया था, जहाँ पर एंगल दे रखा है उसके सामने वाला क्या होता है लंब होता है। भाई यहाँ पर हमसे ए की बात हुई है, यहाँ पर क्या होता है, इधर ध्यान दो, ये जो दे रखा है ये क्या होता है आपका एंगल थीटा। ठीक है ना, तो ए की बात कर रहे हैं तो ए के सामने वाला क्या होगा आपका लंब होगा। ठीक है अगर हम बात करेंगे सी की तो सी के सामने वाला लंब होगा। अब भाई अगर ये लंब है तो भाई ये तो कर्ण है, ये फिक्स हो गया। ठीक है ये फिक्स हो गया और इसके सामने वाला हो गया लंब, अगर ये लंब है तो ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो साइन ए की बात हम करते हैं तो यहाँ पर एक बार हम फिगर फिर से बना लेते हैं इसकी, यहाँ पर देख लीजिए ए बी सी, ये हो जाएगा क्या, ये आपके लिए रखा है 7, ये हो गया है 24 और ये हमने निकाला है अभी 25। ठीक है तो साइन ए की बात करते हैं तो ये होता है लंब बट्टे क्या होता है कर्ण। अब ए के लिए यहाँ पर, ए के लिए देखिए, ए के लिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा लंब क्या हो जाएगा 7, तो लंब कितना हो गया 7। अब भाई कर्ण तो रहता ही है सेम, ये कितना हो जाएगा 25। ठीक है अब इसके साथ में दूसरा पूछ रखा है हमसे कॉज ए का भी मान निकाल के बताना आपको, कॉज ए का मान क्या होता है, मतलब कॉज का मान क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। ए ए के लिए भाई देखिए ए के सामने वाला क्या होता है लंब होता है, मतलब कि ये लंब हो जाएगा आपका और ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा।
तो आधार कितना हो जाएगा 24 और कर्ण कितना हो जाएगा 25। मतलब कि यह आपका आंसर हो गया, यहाँ पर यह आपका आंसर हो गया। जो सेकंड वाला क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपने निकालनी है साइन सी और साइन ए की वैल्यू, ठीक है, सॉरी साइन सी और सॉरी कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। कल आप हमसे, आपका काम क्या रहेगा कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। भाई देखिए, सी के लिए अगर हम बात करते हैं कि इसके लिए सी के लिए, तो सी के लिए इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। मतलब कि 24 क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो साइन सी निकालनी है और कॉस सी निकालनी है। आपके लिए ये पता होना चाहिए कि लंब कैसे निकलेगा और कॉस कैसे निकलेगा, मतलब आधार कैसे निकलेगा। जो एंगल होता है, जैसे कि यहाँ पर एंगल ए दे रखा है, ये देखिए ये एंगल ए है ना, ये वाला एंगल ए है, तो इसके सामने वाला, इसके ये सामने वाला क्या हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं एंगल सी की, तो एंगल सी के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। भाई अगर ये लंब है और ये कर्ण है, तो भाई क्या बचा, आधार बचा ना आपका, तो आधार कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, तो आज हम इतनी क्लास रखते हैं, और आपके लिए जो वैल्यू निकालनी है, साइन सी की वैल्यू निकालनी है, कॉस सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, साइन सी कॉस सी की वैल्यू आपके लिए निकालनी ही निकालनी है, और निकाल कर आप हमें बताएंगे कि ये आंसर आया है इसका या नहीं आया है। या आपका क्या हम कह सकते हैं, आपके लिए घर पर करना ही है, क्लास से अलग क्या हुआ, घर हुआ, घर पर करना है आपके लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए निकालना है, इतना आपके लिए करना है, और नहीं आता है तो आप हमसे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, सर हमारे समझ में नहीं आया, हमें बताइए, तो उसके लिए हम आपके लिए नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, थैंक यू।